बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माश की दाल बना रही हूँ, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले दाल को दो घंटे पहले मैंने साफ़ करके धो के और भिगो दिया था। अब इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है कुछ पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के। और चूल्हे पे मैंने जो है वो घी डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो रहा है घी, और आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मसाले डलेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक बारीक सा काट लिया है। तीन अदर टमाटर लिए हैं, उनको भी छोटा छोटा काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, और लाल मिर्च पाउडर, नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पिसा हुआ गर्म मसाला है, हल्दी पाउडर है, थोड़ी सी अदरक मिर्च है, साबुत गर्म मसाला है थोड़ा सा, जिसमें है तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा, और ये हमारे पास यहाँ पे सूखा धनिया है पिसा हुआ, और अजवाइन है थोड़ी, और कलौंजी है। इसके अलावा एक और आइटम है सूखी मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं। इसको साफ़ कर लिया है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ऑयल में, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डालते हैं। जी, ऑयल में हमने प्याज डाल दिए और इसको हम साइड सा ब्राउन करेंगे। तो इसके अलावा एक बात और कि आपको मेरी आवाज़ कुछ गड़बड़ लग रही होगी, तो मेरा गला कुछ ख़राब है। और जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे प्याज को फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएगी, अच्छी सी एक कलर जो आएगा वो इसमें वो नहीं आएगा, तो एक क्रिस्पीपन भी आता है। तो इसके लिए जो है ना, आपको आंच को जो है वो नॉर्मल ही रखना पड़ता है। और ये जो माश की दाल है, ये तो शाही खानों में शुमार की जाती है। बादशाहों के ज़माने में भी इसके स्पेशल कुक हुआ करते थे, और इसकी बड़ी कहानियाँ भी हैं, बहुत स्टोरियाँ भी हैं माश की दाल के बारे में, जो सुनी भी होंगी आपने। और ये दालों में से रानी कहलाती है, दालों की रानी है माश की दाल। प्याज हो रही है ब्राउन, प्याज ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमारे पास है वो डाल देते हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, कुछ देर चम्मच चलाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। कुछ भी पका रहे हों आप, ख्याल रखिएगा इस बात का। ये हमारे मसाले जो हैं, देखिए ये हम सारे मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमने मसाले डाल दिए, फ्राई कर लेते हैं। एक दो मिनट इसको करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मसाले हमारे तकरीबन एक दो मिनट हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। हमारे पास टमाटर कटे हुए हैं। और एक बात और कि वीडियो जो है वो मैं खुद ही बना रही होती हूँ, एक हाथ से मैं काम करती हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ, तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अब हम टमाटरों को मेल्ट होने तक ज़रा भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, तो अब हम इसमें जो ये मेथी है हमारे पास, ये हम डालेंगे। आप फ्रेश भी ले सकती हैं, तो ये भी डाल सकती हैं। इसकी इससे ये होता है कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, जायके में तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो हम इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ हमारी दाल जो है वो उबल रही है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। अलहम
अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा से भून गया है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को हमने छान लिया है और अच्छी तरह उबल गई है। एक कनी जो है वो चावलों की तरह इसमें मौजूद है और ये हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। तो अब हम इसमें दाल जो है वो शामिल कर दें। देखिए दाल हमने इसमें डाल दी है। अब नहायत एहतियात के साथ जो है वो इसको हम इसमें इसको मिक्स करेंगे मसाले में, और उसके बाद जो है ना इसको तकरीबन 5-10 मिनट हम दम के लिए रखेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी गल चुकी है, इसको गलाना तो इसमें नहीं है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए जो है वो दम पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दाल को तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दम पे लगाए हुए। आइए इसको खोल के देखते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ऑयल भी ऊपर आ चुका है इसका और बहुत अच्छी लग रही है दाल देखने में। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसको रायते, सलाद और चपाती के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगेगी।